लेह से साउथ पुलु और साउथ पुलु से फाइनली हम लोग आ चुके हैं खरदुंगला पास, और जो कि 18,000 फीट पे है, और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हुंडर। लेह से साउथ पुलु और साउथ पुलु से फाइनली हम लोग आ चुके हैं खरदुंगला। खरदुंगला अप्रॉक्सीमेटली 18,000 फीट पे है और एक बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है यहाँ पे, जो काफ़ी लोग आके अपना पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसको हाईएस्ट मोटरेबल रोड से, जो कि ये नहीं है। उनमिंगला एक जगह है वो सबसे ज़्यादा, इसके भी ज़्यादा हाइट पर है, लगभग 19,000 फीट पर है। राजमा चावल? हाँ जी, राजमा चावल। राजमा चावल राजमा नहीं है, दाल है। ठीक है, दाल चावल दे दीजिए। दाल चावल एक प्लेट आपको, पराठा परोंठा चिकन चुका एक परोंठा, दाल चावल एक। आपका क्या ले गए? दाल चावल चौमिन। हाँ, गर्मा गर्म एक चौमिन। वो कहते हैं ना हम लोग करारा, वैसा चौमिन बनाया। और इस पे आप टमाटो केचप वगैरह हल्का सा स्पाइसी मिक्स करके डालोगे, और टमाटो केचप के साथ मिक्स करोगे ना, काफ़ी टेस्ट है। बहुत बढ़िया बनाया। तो सबसे पुराना फूड जॉइंट यही है। हाँ जी, ये 2000 मैक्सिमम 2001 मैक्सिमम 2000 या तो 2000 या 2001 से था जब से हम देखा, और ये ऑनर है तभी से हम अभी तक भी वैसे के वैसे ही नजर आ रहा है देखो। और इसके इनका हस्बैंड बहुत एक्टिव है। हाँ जी, बहुत एक्टिव है, पहले भी एक्टिव था, अभी भी वैसे। मैं तभी आपको बोल रहे थे कि ये अभी भी वैसे ही है देखो, 2001 से लेके अभी 23rd है तो अभी भी ऐसे लग रहा है देखो। चाउमिन बहुत ही शानदार बनी, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल जो नूडल्स है मोटा है, अच्छा से प्याज गाजर शिमला मिर्च बना के इसको तब्बे से इन्होंने पैन फ्राई किया, अलग से ऑमलेट बना के फिर इसमें मिलाया गया। और ऐसी जगहों पे मतलब ठंडी जगहों पे मैगी हो गया, या फिर चाउमीन हो गई, या मोमो हो गया, या गर्मा गर्म पराठे हो गए, या दाल चावल ही क्यों ना हो गया, खाने का अलग ही मज़ा है। दाल चावल नहीं आया हमारा ये राहुल का राहुल भाई देखो, हम पराठा खा रहे हैं और इतना बढ़िया सॉफ्ट, यहाँ के जो लोकल आलू है ना, आप ट्राई करना, छोटा सा पीस, बिल्कुल सॉफ्ट पराठा। कितना बढ़िया बनाया, पतला सा, पतला सा नहीं तो नहीं बनता, क्योंकि जो कश्मीरी जो सब्जी किस चीज का है, सब मिक्स मिक्स दाल, बंदा गोभी शिमला मिर्च मटर की सब्जी, मिक्स वेजिटेबल, और साथ में प्याज और गाजर। ये जो दाल है इसमें मूंग मसूर दोनों हैं, और वो कहते हैं ना दाल भात पावर 24 आवर, वही है। अगर ये ऐसे चौमिन देते तो मैं पराठा मंगाता, यानी हाफ चौमिन मंगा लेता। मैं भी सोच रहा हूँ कि चौमिन ही ऑर्डर करना चाहिए था अभी खाने के बाद बसता। हाँ, जब पुराने थे 2000 से ना, जितने भी इनके पुराने जो कस्टमर थे अभी भी आते हैं, कि जो पहले 2000 में आया हुआ कस्टमर बोलता है हमारे आंटी के पास जाएंगे, तो सब खुश होते हैं। तो अभी आंटी का आदत है कि फ्रेंकली बात करना, आपको बता देखो
क्या क्या है, ये है ये है बोल के आपको आपको भी बोल रहा है ये है सब कुछ बता रहे। तो हम भी बहुत पहले सारा अभी आनी बोल रहा है कि मुझे बोल रहा है कि आप देखो इतने साल से दिखा नहीं, नहीं तो मैंने बोला मैं भी पुराना हूँ तभी तो हम इधर आए है ना बिल्कुल। तो अभी देखो आपका सर आया तो अगली बार फिर सर के ग्रुप भी आएंगे इधर। मेरे तो अच्छा लगा आप ऑर्डर भी ले रहे हैं अंदर जाके कुकिंग भी कर रहे हैं सारा हिसाब भी इतना एक्टिव है देखो आपके उनके जब लड़के थे इतने छोटे से तब से चला आया है। अभी लड़के लोग जितने भी हैं उन्होंने इसी से चला चला के जो भी होगा कुछ मेहनत करके कुछ भी करके उनको अभी जम्मू में स्टडी के लिए भेजा हुआ है। देखो अच्छी बात है ना। और विंटर में भी चलाते हैं इनको, विंटर विंटर में भी खुला रखते हैं। ये इतने तक बर्फ आ जाता है कम से कम, ये टॉयलेट टिक है ना इतने तक बर्फ आ जाता है ये। और ये क्या है कि ये जो रोड जो है बीआरओ वाला वो तो अपना रोड ही साफ़ करेगा, ये तो साफ़ करके नहीं देगा। तो इन्हों ये कि लोग क्या करते हैं कि बेलचा लाते हैं थोड़े से अपना जगह बना के अंदर एंट्री करने के लिए, ताकि अपना इतना कम से कम लगभग 2-2.5 फीट चलने के लिए वो बेलचा से हटा के अंदर को जाते हैं। विंटर में भी खुला रहता है क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। हमारा पानी आई भी आता है लता है उधर से 20 किलोमीटर नीचे से, वो नाला मिनो नो वो देखो एसेंट्रिक में गिरी बदल देता है, पानी भी नहीं मुश्किल है विंटर में, पानी का भी मुश्किल है इधर। तो यहां सामान भी ले चलाना पड़ता है, सामान कुछ नहीं मिलता है। आपका नाम क्या है? नाम टाशी यांगडोल। टाशी यांगडोल। ये प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है हुंडर, ये दिस्कित से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आप पहुँचते ही मतलब जो भी चीज़ें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होती है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एंटर करते ही एक वेंडर बैठी हुई है जो यहाँ के लोकल एप्पल्स बेच रही है, उसके बाद एक रेस्टोरेंट है, फिर लोकल लद्दाखी कॉस्ट्यूम पहन के आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। उसके बाद जो मेन अट्रैक्शन है हुंडर का वो है बैक्ट्रियन कैमल, डबल हम्प्ड कैमल, जो कि कहा जाता है कि मंगोलिया का नेटिव है सेंट्रल एशिया, और वहाँ से वो यहाँ पहुँचा नुब्रा रीजन में। और कहा जाता है कि उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज के डेट में इस जगह पे एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर बैक्ट्रियन कैमल का राइड करते हैं, और जो राइड है वो 15 मिनट से घंटे भर तक आप कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे फी पे करनी पड़ती है जिस जो इस्तेमाल की जाती है उन्हीं कैमल्स की देखरेख के लिए। चलिए कुछ पल के लिए इस टूरिस्ट स्पॉट पे टूरिस्ट बना जाए और कैमल राइड किया जाए। सजीत 350 की तुझे एक 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 कैमल पे एक आदमी जी जी सर, दो जाएंगे तो स्पेस ही नहीं होता है सर, डबल हम पे ना मेरे तरफ से तो आप 10 भेजो सर। एक बार कैमल राइड दुबई में किया था और सेकंड टाइम अभी कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में कर रहे हैं हुंडर में। आइए अभी आपको नंबरिंग नहीं दिया हुआ है इस पे, ठीक है ना, नंबरिंग नहीं दे रखा है, नहीं तो वहाँ से हमारा बंदा है ना देना चाहिए ना नंबर वाइज देना देता है। देना चाहिए। अभी भीड़ थोड़ा कम था इसलिए वो नंबर नहीं देता है, भीड़ ज्यादा हो गया अब क्या करें, ज्यादा हो जाता है तब वहाँ से नंबर देते हैं, ठीक है ना। सब टूरिस्ट लोग परेशान, जैसे जैसे आएगा आप लोग फिर नहीं, ऐसा है ना आप लोग भी तो पीछे जल्दी से जल्दी जाने के चक्कर में, मैं पहले आया था तो आदमी तो कंफ्यूज होगा ना, जैसे उड़ाते जाएगा आप लोग जाते जाएगा बस खत्म, टेंशन लेने वाला बात है। थोड़ा आप लोग हमको तो बताओ, हमारी पर्ची तो हमने ले लिया ना, आता है मैं उन्हें को चला देता हूं, आप लोग टिकट लेके साइड कीजिए, काट रहा है मेरा, बोला कि आप सिंगल है, बोला मैंने ये देखो उसको काट रहा है अब सर, आप किसी और को टिकट दिखा दीजिए, उसको टिकट दे रहा है। सिंगल हाँ सिंगल रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, खाली यहाँ से मेरे को लंबा नहीं आ रहा, आप लोग रुक जाओ यार, बस यहीं से ज्यादा आवाज आ जाएगा। ये किसका है, दो बंदे
तीन बंदों की मेरी टिकट वापस दो, मेरी टिकट वापस, टिकट उधर दिया है ना यार, अरे टिकट नहीं है उसके पास, वो आपके पास वापस भेज रहा, मेरे को टिकट वापस दो यार, मेरा दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया तो फिर मैंने कमांडर को सुन भाई, या तो बिठा दिया पैसे वापस कर दे, अब बहुत हो गया, चलो टिकट बोल रहे आप, मेरा 360 सिंगल सिंगल, मेरा सिंगल ये आप नहीं दे रहे इस तरह, नहीं अरे ऊंट आएगा, वो बैठ गए, वो बैठ गए, ठीक है ठीक है भाई, ऊंट आप लेके रखो, ये बहुत टाइम हो गया, लेके बात सुन यार, नहीं बिना बैठा ना, कहाँ चलो, मैं सिर्फ यहीं जाऊंगा पास तक, क्या हुआ क्या हुआ, वो कह रहा है कि दूसरे राइट सेकंड टाइम में आएगा, ये आ तो गए अभी, हाँ मैं आएगा मैडम पहले, ये मेरे वाला जो कैमल है बहुत गुस्से में इसको, अरे भैया थोड़ा दूर दूर करके बैठाओ इसको, भैया थोड़ा आराम से उतारना है इसको, हाँ ये काम अच्छा किया हमने, तो आराम से आराम से आराम से, पकड़ो पकड़ के बैठो, हाँ पकड़ा हुआ है, आराम से उठाना, क्या करना है, पकड़ के लिम बैक, बस थैंक यू, यू आर सो नाइस, थैंक यू, माय बैक इज पेनिंग, बहुत ही टायरिंग बम्पी राइड थी, अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा टूरिस्ट जगह पे टूरिस्टी चीज़ करनी चाहिए, तो वो किया है यहाँ पे, और यही मेमोरीज हैं जो आपके साथ फिर रह जाती हैं, बट जो पूरा लैंडस्केप है वो बहुत ही खूबसूरत है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, जो सैंड ड्यून्स हैं उसका कलर ग्रे कलर है, जबकि हम लोग अगर राजस्थान वगैरह में जाते हैं तो ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, तो अच्छा था एक्सपीरियंस ओवरऑल, अब चलेंगे हम लोग सन डाउनर के लिए, लद्दाखी शेफ कुछ स्पेशल चीज़ें बना के ला रहे हैं, वो एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद उनके रेस्टोरेंट में भी चलेंगे, और फिर कुछ लद्दाखी जो डिशेज़ हैं उनका लुत्फ़ उठाएंगे, आइए जुले जुले, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, अरे क्या है ये कम्बुचा है सर, ये मैंने कुछ बनाया था यहाँ पे, जो सी बकथॉर्न और एप्रिकॉट दोनों मिक्स के, और यहाँ का लोकल जो ग्रीन टी होता है वाइल्ड, उसको फर्मेंट करके उसके बाद इसको फ्लेवरिंग करके, कितना ऑफन यहाँ पे टूरिस्ट आके ये करते हैं एक्सपीरियंस? ये हमारे जो स्टोनेज में मोस्टली गेस्ट को हम ऑफर करते हैं, मतलब यहाँ का एक एक्सपीरियंस, यहाँ सनडाउनर हम जो बोलते हैं सनडाउनर, तो खाना पीना तो इतना इम्पोर्टेंट हम इसे नहीं रखते, फिर भी एक एक्सपीरियंस हो जाते हैं, यहाँ का जो व्यू है स्पेशली, अभी तो थोड़ा ड्रग हो चुका है, नहीं तो सनसेट के टाइम पर थोड़ा पूरा ये व्यू शू देखते हैं कितना खूबसूरत ये लैंडस्केप है, पहाड़ों का अलग अलग रंग है, ग्रे सैंड ड्यून्स सामने, ये वाटर स्ट्रीम, बैक्ट्रियन कैमल्स, और बहुत सारे टूरिस्ट जो कि उस तरफ हैं, इस तरफ नहीं है, तो आराम से आप सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं, कोम्बुचा में भयंकर जिंग है। यहाँ का लोकल एप्पल जी जी, ऑरेंज जी, याक चीज जी, कैशियोस एलमंड्स जी, ये क्या कुकुम्बर, हमस कुकुम्बर और कैरेट्स ठीक है जो है हमस के साथ, हाँ तो बता रहे थे याक चीज के बारे में, याक चीज मतलब
पहले मतलब ट्रेडिशन में नुब्रा कुछ कुछ जगह में बनते हैं, स्पेशली चंगतंग एरिया जो नोमेड होता है वो लोग बहुत बनाते हैं। नुब्रा में जैसे हो गया यहाँ हुंदर की आगे एक गाँव है हुंदर डॉग विलेज, वहाँ पे बहुत सारा याक्स होते हैं। तो एक्चुअली याक चीज याक तो हम मेल वर्जन मेल याक को मेल को याक बोलते हैं। तो कुछ पता नहीं किसके लिए याक चीज बहुत फेमस हो गया था याक के नाम पे। लेकिन ये फीमेल याक चीज जी जी हल्का सा है। हाँ जी जी मतलब इतना एज नहीं हुआ, एकदम स्वीट भी है। हाँ हल्का सा स्वीट है हुमस। यहाँ का जो आपका लोकल गाजर है ना जी बहुत बढ़िया है, फुल ऑन क्रंची है और स्वीट है। स्वीट तो है थोड़ा। तो अपने बारे में बताइए आप। तो मैं पहले मंग था जी, तो मंग में जब नेपाल में था, नेपाल में कहीं लगभग 12-13 साल वहीं पे था। तो वहाँ से मतलब चाइल्डहुड से मेरा कुछ खाने के साथ कुछ कनेक्शन है, मतलब वहाँ मोनेस्ट्री में भी मैं किचन में बहुत सारा काम करता हूँ, अपने जो मॉन्क्स के लिए खाना बनाता है वहाँ पे अलग अलग मतलब किचन होते थे, एक मॉन्क के लिए होते थे और एक वीआईपी होते थे उसके लिए अलग से किचन होते थे, फिर वहीं पे खाना बनाना मतलब किचन में घुसते बैठना। उसके बाद फिर मैं गोवा पहुँच गया था, गोवा में मतलब 5-6 साल काफ़ी मतलब काम किया वहाँ पर, कहीं सीखा इधर उधर, फिर वहाँ से वापस लद्दाख आ कि फिर पता चला कि हाँ लद्दाख की खाने मोमो थुप्पा को छोड़ के बहुत सारा है, क्योंकि लोगों को सिर्फ मोमो और थुप्पा ही पता होता है लद्दाख का खाना। तो ये रिसर्च किया कि जैसे मैं स्टोनेज में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बैठ के मैं लोकल हर्ब्स के साथ लोकल जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता था, जो ऑथेंटिक लद्दाख की जो लॉस्ट रेसिपी बोलते हैं हम। कुछ कुछ चीज़ें हम ऐसे भूल गया कि जब जैसे मैं बोल लूँ जब से लद्दाख में राइस पहुँच गया, जो आलू पहुँच गया उसके बाद सारा अभी तो स्टेबल फूड राइस ही चल रहा है जो सबका। पहले हम जब अगले बारले या तो वीट गेहूँ और वही खाते थे, राइस तो बड़ी बड़े राइस तो मतलब बहुत कीमती माना जाता है। जो मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि कैसे आप लामा से शेफ बन गए। हाँ और तो क्यों छोड़ दिया आपने वो मतलब अपना कहीं ना कहीं फूड से कुछ कनेक्शन था। जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में, उस टाइम पे भी मैं मॉन्ग में था। उस टाइम की बात जब अर्थक्वेक हो रहा था मतलब 2-3-4 महीने चल रहा था, तो उस टाइम पे हमारे जो मोनेस्ट्री होते थे उसमें मतलब बहुत सारे लोग मोनेस्ट्री के अंदर वहाँ पे ग्राउंड होते थे, वहाँ पे आके बैठ गया था, बस किया था। फिर उन लोग के लिए खाना बनाना, कुछ मतलब उन लोग को हेल्प करना, ऐसे में कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था शायद। तो आपका अंदर से कॉलिंग आया कि मुझे शेफ बनना है जी। हाँ मतलब खाने कुकिंग की लाइन में जाना था, तो कुछ मतलब अचानक से कुछ सीखना था, उसके लिए मैं सिर्फ सीधा गोवा चले गए थे। अब अंधेरा होने लगा है तो आपसे बातचीत जारी रहेगी और हम आपके रेस्टोरेंट में चलेंगे और वहाँ पे जो लोकल लद्दाखी डिशेज़ हैं उसके बारे में और जानेंगे और उसका जायका भी लेंगे। तो सीधे सैंड ड्यून से हम लोग पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक रिट्रीट और यहाँ पे हम जायका ले रहे हैं वेस्ट थुप्पा का। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है थुप्पा का वो तो बहुत अलग है, हम लोग जो वहाँ पे दिल्ली में खाते हैं मजनू का टीला में जी जी, उसमें तो नूडल्स और सब्जी और क्लियर सूप की तरह होता जी है जी जी। उसको हम ग्यातुक बोलते हैं, जिसको जो नूडल बोलते हैं उसको हम ग्या मतलब हम चाइनीज को ग्या बोलते ग्यामी बोलते, तो चाइनीज़ का नूडल को हमने थुप्पा में डाला हुआ इसलिए उसका नाम होता है ग्यातुक बोलते हैं हम उसको। और थुप्पा में थोड़ा वैरायटीज होते हैं, जैसे इसमें थेंतुक हो गया, थुप्पा हो गया और स्क्यू भी लगभग थुप्पा की तरह मान लीजिए आप, उसमें छानतुक हो गया, छानतुक में भी अलग थुप्पा ही नाम है लेकिन उसमें थोड़ा वैरायटीज होता है, तो अलग अलग शेप से बनाया जाता है। जैसे थेंतुक किस लिए बोलते हैं हम, जैसे थेंतुक का आटा होते हैं और हाथ से थोड़ा सा पुल करके हाँ हैंड पुल बोलते हैं जिसको, उसको हम थेन बोलते हैं लद्दाखी में, उसकी वजह से थेंतुक बोलते थे। और ग्यातुक तो चाइनीज़ वाला हो गया और ये नॉर्मल थुप्पा होता है, ये उसमें आटे को मतलब काट के बना के डाल देते हैं।
इसमें पनीर भी है, मटर भी है जी। इसका बेस हो मोस्टली होता है कि रूट वेजिटेबल का ही बेस होता है थुप्पा में, मतलब मोस्ट थुप्पा में हो, लगभग सब थुप्पा में होते हैं। या तो मटन का स्टॉक बनाते हैं, अगर वेजिटेरियन वर्जन होगा तो उसमें मोस्ट रूट वेजिटेबल होगा, शलगम होगा आपका, गाजर होगा, आलू होगा, पूरा उसका एक स्टॉक बनाते हैं, उसके बाद फिर उसमें आटा डाल के पकाया जाता है। तो ये ग्रीन लीव्स क्या है? ये शलगम का पत्ता होगा। शलगम का पत्ता जी जी। अभी हम सीज़न में तो फ्रेश शलगम मिलते थे उसका पत्ता यूज़ करते, और मान लो सर्दी में जैसे हम वो शलगम के पत्ते को काट के डिहाइड्रेट करते उसका अलग से टेस्ट हो जाता है कुकर में। इसमें नूडल्स है, वही फ्लैट नूडल्स ही है इसमें। जी जी, फ्लैट नूडल जैसे थेंतुक की तरह है, लेकिन थेंतुक को हम हैंड से पुल करते थे और इसको मतलब बड़ा सा रोल करके उसको काट के इसमें डालते। एक दो बॉल खाइए, जैसे हम घर में सिर्फ हमारे डिनर यही होते थे, अगर थुप्पा बने तो थुप्पा खाते, या तो मोमोज बने तो मोमोज खाते सिर्फ, तो थुप्पा बड़े बॉल में खाते थे ताकि आपका शरीर भी गर्म रहे और लंबे समय तक आपको भूख भी ना लगे। इसमें हल्दी वगैरह डाल के बना हुआ है जी जी। स्पाइसेस में हल्दी हमारे पास कश्मीर से, जो पहले एयरकंडी जो ट्रेडिंग चलते थे वहाँ से ब्लैक पेपर हम लेते थे, और सूखा हुआ जो हल्दी बोलते हैं, जो सूखा हुआ हल्दी और मोस्टली ब्लैक पेपर ही होते हैं हमारे पास स्पाइसेस, बाकी तो वाइल्ड करवे हो गया जो हम इसमें सिर्फ हल्दी डाला हुआ है जी, सिर्फ हल्दी हो। और छुरपे हम इस मतलब थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि सब लोग को छुरपे इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका जो बिटरनेस, जो काइंड ऑफ फंगी का टेस्ट आता है वो इतना पसंद नहीं करते सब लोग, इसलिए पनीर उसकी सब्स्टिट्यूट में हम छुरपे की सब्स्टिट्यूट में डालते। चलिए आज मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल का थुप्पा खाया। इतने से जो मैं थुप्पा खा रहा था वो थुप्पा नहीं था, वो ग्यातुक था। उसको मतलब सिर्फ वेजिटेबल स्टॉक में सीधा नूडल डालते हैं बस। हाँ। वाइट सा होता है कलर भी। ये तो जैसे हम लोग मतलब सब्जी बनाते हैं जी जी, उसका सब्जी ही बनाते हैं। हाँ। उसमें आटा डाल के साथ में पका लेते हैं जी जी। यहाँ पे दिनचर्या क्या रहता है सुबह से शाम तक का? जैसे कि हो गया मैं यहाँ आपका मंदिर का इचर हूँ, जैसे कि सुबह जैसे कि साढ़े तीन बजे उठा के मैं यहाँ से पूजा करने के लिए जाता हूँ। मैत्रेय बुद्धा, द फ्यूचर बुद्धा, जो यहाँ पे उनकी मूर्ति है दिस्कित में, वो 106 फीट हाइट की है, और यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नुब्रा रीजन का नज़ारा देखने को मिलता है। हम लोग हुंडर में ऑर्गेनिक रिट्रीट के रेस्टोरेंट हेरिटेज किचन में, जहाँ पे आपको लोकल लद्दाखी क्यूजीन मिलता है, बहुत सारी डिशेस हैं जिसका हम लोग जायका लेने वाले हैं। तो ये है सर मर्जन बोलते हैं सर इसको हम, और ये रोटी इसको हम शपशप बोलते हैं सर, और ये खमीर रोटी है, और ये शलगम और मीट है सर, और ये डस्तुक है।